वहाँ सब मंगल है, वहाँ कोई अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर विहार। तो राम के नाम पर मत डराओ कि इस घड़ी मुहूर्त शुभ नहीं है, जहाँ राम है वहाँ शुभ ही शुभ है। टेंट से राम दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं, गर्भगृह का पूरा निर्माण हो चुका है, शिखर पर मंदिर भी पूरा खड़ा हो चुका है, शिखर पर कलश भी जल्दी लग जाएगा। और ये राम मंदिर का निर्माण मात्र नहीं हो रहा है, ये राम राज्य की ओर राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। राम जैसी मर्यादा, राम जैसा चरित्र, राम जैसा आचरण, राम जी की तरह सारा देश अब उनके पदचिन्हों पर चलता हुआ, तपस्या करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने सनातन धर्म का पालन करता हुआ राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और सनातन धर्म की जय जयकार होगी, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान की, शिव की जय जयकार होगी। एक तरफ संस्कृति और दूसरे तरफ देश में समृद्धि आएगी। देश धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक महाशक्ति बनेगा। 15 अगस्त 1947 को तो राजनीतिक आजादी आई थी, अब सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आजादी भी आएगी, शिक्षा चिकित्सा की भी आजादी आएगी, आर्थिक आजादी भी आएगी। भारत आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा।